2017 से 2018 तक इन्होंने बतौर और उधमपुर के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। ऐसी सोच कि इस जिला उधम काम करे उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है, खुश नसीब होता है वो खून खुश करते हुए जितने भी हमारी बैक फोर्सेस की टुकड़ियां जो से जिला उधमपुर में चलाया और उनके बच्चे भी यहां पर उपस्थित है। आप सभी का पूरे उधमपुर निवासियों की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन। अगुवाई कर रही हैं एओसी हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर। अब उनसे कदम मिलाते हुए ये ग्रुप आगे बढ़ रहा है और हौसला अफजाई होनी चाहिए। तालियां रुकनी सुंदर सलामी जोरदार तालियां प्यारे बच्चे और बच्चियों के लिए डीएवी हाई स्कूल उधमपुर। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने हमारी मातृभूमि की गरिमा और स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। यह दिन हमें उन सभी को एक समृद्ध और सम्मानजनक श्रद्धांजलि देने का अवसर भी प्रदान करता है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की वर्तमान सरकार माननीय उपराज्यपाल के कुशल मार्गदर्शन में विकास और समृद्धि के शानदार पथ पर नेतृत्व करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। कई प्रमुख विकास परियोजनाएं जैसे कि पवित्र नदी देविका का प्रदूषण अनुमूलन कार्य, मानतलाई में योगा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, NH244 और मेडिकल कॉलेज उधमपुर, रोपवे प्रोजेक्ट पटनीटॉप क्रियान्वित हैं। सुई जक्कड़ में 250 किलोग्राम प्रति घंटा के माध्यम से अपशिष्ट निपटान परियोजना का कार्य पूरा कर लिया गया है और जनता को समर्पित कर दिया गया है। की कुल संख्या 65,374 है। कृषि विभाग द्वारा प्रायोजित किसान क्रेडिट कार्ड संख्या 61,805 है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि में पात्र किसानों की कुल संख्या 65,208 है और डाटा अपलोड की कुल संख्या 52,000 के आसपास है। बागवानी और कृषि क्षेत्र में मुख्य ध्यान जैविक खेती और एकीकृत खेती पर केंद्रित है। जीविका प्रोजेक्ट भी इसी बिंदु के आसपास कार्य करता है। पशुपालन विभाग में हाल के सार्वजनिक आउटरीच प्रोग्राम में संबंधित माननीय मंत्री द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिले में भ्रूण आरोपण IVF जैसी नई तकनीकों की शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि जिला उधमपुर स्वास्थ्य क्षेत्र में शीर्ष परफॉर्मर है। इसके दो अस्पताल यानी कि उधमपुर और रामनगर को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ।